फनी एनिमेशंस ऑफ नॉट योर टाइप। यस गाइस, अभी हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग फनी फनी एनिमेशंस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की। तो सबसे पहले मेरे को रिकमेंडेशन आई है नॉट योर टाइप के चैनल की, भाई बहुत अच्छी एनिमेशंस बनाता है। तो आज हम लोग नॉट योर टाइप की इंडियन कार्टून की पैरोडीज देखेंगे जिसमें शिनचैन, डोरेमोन ये सब होंगे, और फिर हम लोग एक दो स्कूल की वीडियोस भी देखेंगे थोड़ी स्कूल की यादें ताजा करने के लिए। तो चलो, तो यहाँ वीडियो का टाइटल है व्हेन शिनचैन रिएक्ट्स टू हॉरर वीडियोस। तो यहाँ पे शिनचैन भी है, हॉरर वीडियोस भी है, दोनों मेरी फेवरेट है। चलो ए, आज हम बुलाएंगे नॉट योर टाइप के साथ भूत। भूत मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। अरे हम एक्शन कामिन से खेल सकते हैं। रात के 3 बज रहे और तुम्हें एक्शन कामिन से खेलना है? पूजा भी तुम एक्शन कामिन की करते हो क्या? तुम्हें कैसे पता? वाह वाह वाह, तीनों मस्त लग रहे हैं। पूजा एक्शन कामिन की और शिनचैन इतना अनॉय बैठा है। ये देखो, कभी शिनचैन को इस तरीके से देखा? ऐसा एक्सप्रेशन तो मैंने कभी नहीं देखा। वो कभी अनॉय नहीं होता, हमेशा मस्त मौला रहता है। बल्ली बल्ली। तुम बहुत ही अजीब हो। वैसे शिनचैन, तुम क्या सोच रहे हो? रात के 3 बज रहे हैं, ये वही समय जब भूत आते हैं। एक बार मेरे डैड रात में आ रहे थे, उन्हें एक भूत ने पकड़ लिया था। पीने का मजा तो जब ही आता है जब बीवी घर पे ना हो। अरे भाई पीने का मजा। हे, अरे भाई इसी बात पे थोड़ी सी हमें भी पिला दो। भूत? तो फिर तुम्हारे डैड कैसे बचे उस भूत से? वो घर के अंदर चले गए थे। भाई पहली बात तो ये रात के 3 बजे घर आ रहा है। रात के 3 बजे कौन घर आता है काम से? मैंने तो आज तक नहीं सुना। और क्या डरा है। और यहाँ पे ये देखो, तुम्हारे डैड कैसे बचे उस भूत से? वो घर के अंदर चले गए थे, इसलिए भूत आ नहीं पाया क्योंकि गेट बंद था। ओ, ये सुन क्या लॉजिक है भाई, गेट बंद था। मेरे को लगता भूत इसलिए नहीं आ पाया होगा क्योंकि उसने यहाँ शिनचैन की मॉम को देख लिया होगा। शिनचैन की मॉम कैसे मारती है, तुम लोगों ने देखा है ना? तो आई थिंक वैसा ही कुछ हुआ होगा। आ नहीं पाया क्योंकि गेट बंद था। ओ, ये सुनने में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग भी बुला सकते हैं भूत। ओ, तो चलो बुलाते हैं भूत। बुलाएंगे? अरे कुछ नहीं होता, मसाओ चलो मेरे साथ बाहर। नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पे बुलाएंगे। हम बाहर, थैंक यू, क्योंकि हम घर में बैठ के भूत बुलाएंगे। हमारे पास है इंटरनेट जिसपे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हम भूत को बुला सकते हैं। तो चलो बुलाते हैं, इंटरनेट से देखेंगे। ये रहा वीडियो, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ये भाई टाइटल कैपिटल में लिखना जरूरी है क्या? और यहाँ ऊपर में देखो क्या सर्च किया है, मुझे भूत ढूंढना है। अच्छा ये ठीक है भाई। यहाँ पे व्यूज देखो बे, अब्बू की मस्ती, कैरी मिनाटी है ये अब्बू की मस्ती। यहाँ क्या लिखा? मेरी बीवी को भूत ले गया, पानी से पता करे घर में भूत है। ये सब क्या लिखा है भाई? मिलियन कब होगा? और भूत प्रेत के बारे में, मिलियन से भूत प्रेत का क्या लेना देना? अरे इधर एक भी टाइटल हमने मैच क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे भी अजीब सा थंबनेल भाई ने लिख ही दिया। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरे एक मिनट, यहाँ पे टाइटल कुछ और था ना? अरे भाई पिछले सीन में टाइटल तो कुछ और था, इसने भी वही लिखा है, 9 बिलियन लाइक्स। अच्छा भाई ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में भी क्या लगा है, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा है क्या? ये लोग पीट रहे हैं जो ओ भाई भाई भाई, और ये कैरी का नाक बह रहा है भाई। मेरा नाम है अंबू और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे कि आप आत्माओं को भुला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब आप आपकी रिक्स पर करिएगा। अगर आत्मा आपको पकड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी भैया हम नहीं लेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो बातें सीरियस ही ले लेते हो। अगर आत्मा वात्मा पकड़ती है तो ले आना अपनी संटी मार दादी पास, एक संटी मार के सब निकाल देती है। ओम भ्रीम भ्रीम भ्रीम, इस मोटे की थुलथुली बॉडी से निकल। आउच, अरे नहीं दादी माँ, मैं तो बस मोमो खाने घुसा था उस मोटे की बॉडी में। देखा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 वाले तरीके को हम बोलते हैं ड्राई बोन्स। ये चीज आपको रात में 12:01 पर करनी है। आपको अच्छा। आपके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेने हैं। खैर रात में तो सबके बंद ही होते हैं, फिर भी बता दिया मैंने ऐसे ही। खैर रात में आपको एक मोमबत्ती लेके अपनी बाथरूम में जाना है और बोलना है, हे भूत मैं तुम्हारे आने को महसूस कर सकता हूँ। फिर भले आप महसूस नहीं कर पा रहे, बस आपको बोल देना है, भूत क्या मासूम होते आ जाते हैं 2 मिनट में। इतना बोल के आपको कहीं पर छुप जाना है क्योंकि अब एक चुड़ैल आएगी आपको ढूंढने, जो कि आपको रात के 3 बजे तक ढूंढेगी। और अगर आपको वो चुड़ैल रात में 3 बजे तक नहीं ढूंढ पाई तो आप जीत जाएंगे और आपकी एक कोई विश पूरी होगी। लेकिन अगर उस भूत ने आपको ढूंढ लिया तो आप मारे जाएंगे। सरल भाषा में बोले ना तो भैया, भूत के साथ लुका छुपी खेलनी है सिंपल। लाओ भैया नंबर 2।
हाइड सीख। वो 3 घंटे तक ढूंढेगा, ये है सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ। हम लोग नहीं कर सकते ये, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे और हमें ये 12 बजे करना था। मसाओ तुम रो क्यों रहे हो? और ये करने के लिए रेडी भी है। क्यों है शिनचान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वो भूतनी से शर्त जीत के जंबो चोको चिप्स और एक्शन कामिल सेट लूंगा। बट तुम नंगे क्यों खड़े हो? वो मुझे नहीं पता। तुम नीचे उतरो, हम दूसरी चीज देख रहे हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है द क्लोजेट गेम। इस गेम में आपको खुद की अलमारी में बंद हो जाना है और माचिस लेना है, और वो माचिस जला के आपको बोलना है शैतान मुझे अंधेरा दिखाओ या रोशनी। उसके बाद आपको आपके पीछे से सरसर आवाज आएगी, आपको सीधा वहाँ से निकल जाना है। ये भूत लोग कभी सही है यार, मतलब क्या कोने कांटे में छुप के बैठे रहते हैं, और ये पीछे से क्या सरसर आवाज आएगी, क्या भूत गुदी गुदी कर रहा है क्या? गुदी 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 गुदी। खैर जैसे आप उस अलमारी से बाहर निकल जाते हैं, आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है और उस अलमारी को भी नहीं देखना है, क्योंकि अब वो एक शैतान का घर है। जी वैसे ये याद है, ये कैरेक्टर शिनचान में हम लोगों ने देखा था, ये बहुत डरावनी थी। मुझे वो एपिसोड अभी भी अच्छे से याद है जब इसकी एंट्री हुई थी। इसकी मैंने 2 एपिसोड देखी थी, एक बार तो शायद एक गुड़िया बन के आती है और एक बार पता नहीं क्या करती है, लेकिन बहुत डरावने वाली एपिसोड थी। जी वैसे देखा जाए तो ये बड़ा महंगा गेम नहीं है? नहीं मतलब हम एक मिडिल क्लास इंसान, हमारे खुद के घर पे रहने की जगह नहीं है, हम शैतान को घर दे दे, मतलब इतनी बड़ी महंगी अलमारी हम शैतान को दे दे, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना भाई? हमारी और शैतान की तो छोड़ो, मॉम ने कबर्ड में कपड़े रखने तक की जगह भी नहीं छोड़ी। ये आइडिया भी फेल। चलो नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों जो हमारा नंबर 3 है उसे बोलते हैं डारूमा। डारूमा एक लड़की थी जो बाथरूम में नहाने जा रही थी, मगर वो गिर के मर गई। ये लोग भी ना, जब पता है बाथरूम गीली हो, भाई 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 एक मिनट, कैरी और ये साथ में नहा रहे थे, क्या चल रहा था यहाँ पे? ये लड़की को नहाते हुए देख बनाने जा रही थी, मगर वो गिर के मर गई। ये लोग भी ना, जब पता है बाथरूम गीली होती है तो भाग के जाने की जरूरत ही क्या है? ये देखो, बताओ मजाक मजाक में ही मर गई। खैर आपको आपकी बाथरूम में जाना है, और मरना नहीं है उधर, ठीक है? मर मत जाना उधर जाके। आपको आपकी बाथरूम के बाथ टब में 2 घंटे के लिए बैठना है और बोलना है ये सब लिखा किसने? मेरे को एक बात बताओ, अगर बाथ टब में मैं पानी में 2 घंटे बैठूंगा तो मेरी चमड़ी थुलथुली नहीं हो जाएगी, मैं खुद ही भूत लगने लग जाऊंगा। मगर खैर आपको आपके बाथ टब में बैठ के बोलना है दारूमा तुम कैसे मरी थी? ये क्या भूत के जले पे नमक छिड़क रहे हैं क्या? दारूमा तुम कैसे मरी थी? इतना बोलने के बाद भूत की आत्मा आपसे जुड़ जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, जो कि 100% वर्क करती है। इसका नाम है द मिडनाइट मैन। इसके लिए आपको लगेगा एक पेपर, नींबू, नमक और एक खून की बूंद। ये क्या नमकीन वमकीन बना रहे हैं क्या मिडनाइट मैन के लिए? आपको वो पेपर लेके अपने गेट के पास रख देना है, उस पे अपना नाम लिख के नमक, नींबू और खून की एक बूंद डाल देनी है, और 22 बार गेट को ठक ठकाना है। यहाँ पे किसका नाम लिखा? पीयूष उत्तम कौन है भाई? पीयूष जोशी का तो नाम सुना है मैंने, पीयूष उत्तम। बूंद डाल देनी है और 22 बार गेट को ठक ठकाना है, बस उसके बाद मिडनाइट मैन गेट खोल के आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप भूत को बुला सकते हैं। मुझे पता है मैंने 5 तरीके बताने को बोला था, लेकिन 4 ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठा हूँ, यूट्यूबर्स झूठे ही होते हैं यार। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। महाकाल का नाम लेके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चैनल 20 मिलियन के बहुत करीब है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप हमारा चैनल तो आपको लगेगा पाप महाकाल की कृपा से। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, बाय। काली गुड़िया से किसी भी औरत या प्रेमिका को वश भी कीजिए, वाह क्या बात है। इसने तो 4 ही तरीके बताए, लेकिन चौथा वाला हम कर सकते हैं। वो देखो मसाओ तो सो गया, नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चौथा वाला ट्राई करेंगे। शिनचान तुम उधर से जाके पेपर लाओ, नींबू लाओ, नमक लाओ, खून का इंतजाम हम मसाओ की उंगली से कर लेंगे। ओके, ये रही मसाओ की उंगली। मेरी उंगली, तुम लोग ने भूत का नमकीन बनाने के लिए मेरी उंगली काटी। थोड़ा सा ही कट लगा है मसाओ, कुछ नहीं होता। सारी चीजें आ गई है, चलो अब करते हैं। अब हमें 22 बार गेट पर ठोकना है। 22 बार गेट पर ठोकने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, मसाओ फिर से सो गया। उस यूट्यूबर ने जो भी बताया सब कुछ झूठ बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो सो जाते हैं वापस जाके, अब से ऐसी चीज कभी ट्राई नहीं करेंगे। हेलो आ गया। यार ये लोग गेट बंद करके भूत कौन बुलाता है यार? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना, हम आत्माएं गेट लॉक होता है तो अंदर नहीं आ पाती। मुझे मेरा नमकीन चाहिए था यार। भाई सही है भाई, भूत कैसे अंदर आएगा यार, गेट बंद कर दिया। अभी चलो नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन शिनचान रिएक्ट्स टू डिस्कवरी चैनल। ओ भाई जानवर है, देखेंगे अभी शिनचान के साथ। चलो
सीरो भाई। सो भैया ये क्या है, टीवी देख रहा लगता है, क्वाला। दोस्तों आज डिस्कवरी में हम जानेंगे एक क्वाला की जिंदगी। एक क्वाला बहुत ही आलसी प्राणी होता है भाई, आलसी तो ये लग रहा मेरे को। देखिए दोस्तों ये क्वाला अभी थका हुआ है, इसकी आंखें भारी है, इससे ज्यादा ये थका हुआ लग रहा है। मजे की बात तो ये क्वाला अभी उठा है और अभी वापस सोने जा रहा है। एक क्वाला दोस्तों 22 घंटे सोता है। दोस्तों क्वाला को खाने में ये 22 क्या होता है यार, 22 होता है भाई। पत्ती पसंद है। एक क्वाला ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, ये करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। दोस्तों एक क्वाला पेड़ पर ही पैदा होता है और पेड़ से गिर के मर जाता है। एक क्वाला साल भर पत्ती खा के पेड़ से फिका के मर जाते हैं। तो दोस्तों आज के डिस्कवरी एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्वाले पसंद। क्या बात है, अरे मैं भी सोने ही वाला था भाई। हेमावारी यहाँ पे कितनी क्यूट लग रही है यार, ये दोनों सोते हुए यार, कसम से। लेकिन अभी वाला आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर शिनचैन अपने दोस्तों के साथ डेथ नोट से खेले, डेथ नोट पता है ना मेरी फेवरेट एनिमे है भाई, भाई यहाँ पे सब फेवरेट फेवरेट चीजें आ रही है मेरी। ये मसाओ खेलना पड़ेगा, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है? नैनी आ गया भाई, नैनी दे धमकी, बचाओ मुझे। तो मैं इस किताब में किसी का भी नाम लिखूंगा वो मर जाएगा। ज्यादा मत उछलो शिनचैन, क्योंकि मैं हूँ एल डेथ नोट से। तो ठीक है फिर, वो बनेगा दादी माँ और मसाओ बनेगा चोर और नैनी तुम शिनिगामी। ठीक है फिर गेम शुरू करो। चलो भाई देखे, बुरा आदमी हूँ दादी माँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बो ए उधर बुरा काम हो रहा है, मुझे उसका नाम लिख देना चाहिए। मैंने देख लिया तुम ही हो ना कीरा। उसने मुझे देख लिया, तुम एल हो क्या? ये क्या फाइट भाई, ये क्या फाइट है यार, डंडा से। तो बताओ मुझे क्या करना है। और ये आ गई शिनिगामी, इसका कोई रोल ही नहीं था। अभी डोरेमोन की पैरोडी देखने से पहले हम लोग एवरी इंडियन स्कूल देखते हैं यार, मेरे को पढ़ाई है इसकी पूरी याद आ रही है। एग्जाम्स एंड ऑल से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूं मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार, ये माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या, मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयां करना है, तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना, मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उसपे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायजाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय, जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो, जिंदगी बहुत मस्त है। वाह ये क्या लिखता है यार, मजा आया रहा है, लेकिन ठीक है तो चल रही होती है। लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है, दसवीं कक्षा, नो दोस्ती यारी ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हो किधर रखा है उसे, लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था। एकदम सही है भाई, गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट आइंस्टाइन है, साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पुकी 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 पुई। भाई ये चीज तो सबने करी होगी, मोटर तो मैंने एक बार बनाया था, मतलब मैंने बना हुआ को ही तोड़ के फिर किया था, वो वैसे हुआ था काम। लेकिन ये आई थिंक अंकी वाला तो सब लोगों ने किया होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये तो कभी नहीं भूलूंगा। साइंटिस्ट पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पुकी 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, नारुतो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा ये सर ये क्या था ओ भाई ये क्या बनाया है, नारुतो ये क्या बनाया है बैकग्राउंड, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बनकर।
और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। वाओ अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। है ए हगी मारू, है ए लकी मैन, है ए ककासी सेंसेई। पहले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। पढ़ाई पैशन और पेरेंट्स। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचा है। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। भाई हॉबी को नहीं भाव दिया जाता है। मुझे भी पहले यूट्यूब को लेके सपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन जैसे जैसे तुम करते हो, आगे बढ़ के दिखाते हो, तो पेरेंट्स भी मानते हैं। तो भाई स्टार्ट करो, चाहे छुपके से करो। मैंने भी ऐसे ही किया है भाई, छुपके छुपके करना पड़ता है, लेकिन बाद में जब सक्सेस दिखती है ना, तब मजा आता है। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अज्जू भाई टोटल गेमिंग। अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। पता नहीं किसके बारे में बात किया। देखो अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है। मेरे खानदान में भी किसी ने आज तक यूट्यूब किया ही नहीं है, मैं पहला हूँ। और भाई आसाम में सबसे हाईएस्ट है मेरा, करके भी खाना पड़ता है यार। अभी देखो यहाँ पे अपनी कहानी बता रहा है एनिमेटर, मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोसाइमस दात्ते भाई। मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? इंजीनियर, डॉक्टर, अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। गोमो दे लामोस अमीगो, एरिस्टे पुर्ते मम्मा मिया। इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी, तो बुलाते नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है। और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है, मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। क्या बात है भाई, क्या का क्या जोड़ता है रे ये बीच में। भाई अब हाथ छोड़ दो। पट 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 कुत्ता है, सबके सब कुत्ता है। कुत्ता कुत्ता भागो। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता जी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक भाई भाई। चैप्टर 2 मेरी कहानी है, अपनी कहानी तो मैं अपने बारे में बताता हूं। तो नॉट यू टाइप जी, क्या बात है? आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। क्या तो ये 10th के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है, मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ। भाई बायोलॉजी तो मैंने तो कंप्यूटर लिया था, कंप्यूटर भी शौक था अपना। आज ही मैं बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी, चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये मेरी रियल कहानी है, मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ, दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था, पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। हे भगवान, क्या दिखाएगा ये? अच्छा
तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल पात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। भाई अपुन को हिचकिचा रहा है, लगता है अपुन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले, वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे, तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों वैसे। चल बंटी कमाल बात के बचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकिया है रे, नोटर टाइम में बूढ़ा हो गया क्या? वो उसके स्कूलमेट थे, ये लोग बूढ़ा हो चुका है। पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था, लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई। yeah. और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूं तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझमें, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MCBC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर, थैंक यू फॉर ₹5 सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओ भाई ये क्या हो गया? ओ भाई लुढ़का दिया। वाह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। लाइक हो जाए डॉक्टर के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए डॉक्टर के लिए। भाई पैशन और स्कूल के बाद अबे इंडियन डोरेमोन को देखते हैं। भाई अगर डोरेमोन इंडिया में होता तो क्या होता? ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें क्या हुआ है नोबिता? क्या तुम्हें मैं मोटा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं तो मुझे तो बिल्कुल फिट फाट लगते हो। फिट फाट? फिर मीचैन ने मुझे क्यों मोटा कहा? मैं तो कितने कम स्नैक्स खाता हूँ देखो। ओ ओ कितना क्यूट लग रहा है यार, कितना क्यूट बनाया है। लेकिन तुम्हें पता है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या मेरा क्या होगा? हाँ डोरेमोन तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, वो मीचन होती कौन है? एक तो इतने फिट लॉन्डे हो तुम और तुम्हें ऐसा बोल रही है। हाँ मिल गया, अब तो वो जियान की माँ की आँख कर दूंगा। मीचन मुझे मोटा नहीं हेल्दी बोलना चाह रही थी। अरे मैं भी ना, चलो अब कहीं खेलने चलते हैं। भाग रहा है, कब तक भागेगा ये? क्या खबर आ रही है? डोरेमोन आज तक मीचैन तक नहीं पहुंचा, वो अभी भी उसके रूम में बस दौड़ ही रहा है। मीचैन बुढ़ी होके मर चुकी है। जब तक डोरेमोन मीचैन के पास पहुंचे हम लोग इसका पार्ट 2 देख लेते हैं इंडियन डोरेमोन का। आ गया। नोबिता किसी भी वक्त आता ही होगा जियान। हाँ सुनियो, मैं किसी का सपना हूं जो आज है। ये क्या है? जियान सुनियो, क्या ये केले का छिलका है? नहीं नहीं कोई केले का छिलका नहीं है, पास आओ हमारे। सच में जियान सुनियो, तुमने मुझे केले के छिलके पे फेंकने के लिए घर से यहाँ तक बुलाया। नहीं नहीं हमने नहीं। भाई भाई नोबिता इस तरीके से कैसे बात करना शुरू कर दिया? ये कभी इसका तो इस तरीके से जवाब नहीं निकलता है रियल में। और यहाँ पर ये देखो मजे ले रहे हो। ठीक है भाई छिलका तो सामने पड़ा है। हमने तो ऐसे ही बुलाया था। जियान सुनियो तुम्हें पता भी है मेरा घर कितना दूर है यहाँ से? नोबिता ना भूल सक, चुपचाप पैर रख उस पे। नोबिता तुम एक बेवकूफ हो और मोटे तू एक मन बुद्धि है। बस शरीर फुलाया।
ये इस तरीके से बोला जियान को, भाई 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 ये पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है लगता है। बुद्धि इतनी सी है, कार्टून में बेवकूफ मुझे दिखाएंगे लेकिन असलियत में ये दोनों है। खाना छोड़ के आया था मैं इधर। भाई कोई बात नहीं जियान, कल मेरे डैड अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं, हम नोबिता को नहीं लेके जाएंगे। भाई ये अंतरिक्ष में जाएगा और ये देखो इसका मुंह देखो। सही है यार, फनी एनिमेशंस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए। मेरे को लगता है इस सीरीज को हम लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तुम लोगों को पसंद आया तो फटाफट से लाइक का बटन दबाओ और मेरी लास्ट रिएक्शन वीडियो तुम लोग यहाँ पे दिख रही है उसे जाके देखो, सब्सक्राइब करो। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देख लेना। टिल देन बाय बाय।